अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के अबू बकर कुरैशी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम आए हुए थे लकी वन और यहाँ पे अबू बकर अपनी बाइक पार्क कर रहे हैं। ये सारा पार्किंग एरिया है। बाइक पार्क करके आते हैं तो फिर हम चलते हैं भाई अंदर, अंदर देखते हैं क्या सीन है और दिखाते हैं आपको भी। तब तक आप जल्दी से जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, लाजमी बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ आप तक बआसानी आ सकें और हमारी वीडियोस लाइक भी कर दिया करें जी। तो ये व्लॉग 10 है हमारा और आप हमें बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा आपको लकी वन मॉल का, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो हमारी आउटिंग तो डेली बेसिस पे हमारी आउटिंग होती है, तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और व्लॉगिंग की जाए। तो आप हमें बताइएगा हमारे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं जी। तो व्यूवर्स, हमारे साथ सीन ये हो गया है कि हमने वहाँ पर रिकॉर्डिंग की थी, हमारे सारे क्लिप रिकॉर्ड हुए मगर हमारी वॉइस किसी किसी क्लिप में नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें वॉइस ओवर करना पड़ रही है। वहाँ पे कोई इतनी ज़बरदस्त सी डेकोरेशन हुई हुई थी ना कि बस बंदे का दिल करे कि यार यहीं पे बैठ के देखते रहो घूमते रहो, यहाँ पे वक्त का पता ही नहीं चलता। काफ़ी हमने इन्जॉय किया था, हम तकरीबन 2-3 घंटे घूमते रहे, पूरा मॉल विज़िट किया हमने। अभी तो हम दिन में आए हुए थे, शाम में काफ़ी अच्छा व्यू होता है, यहाँ का लाइटिंग होती है तो फिर काफ़ी अच्छा मंजर होता है। मुझे पकड़ो, मैं इनसे आगे जा रहा हूँ, देखे पीछे आ रहे हैं। आ जाओ। रुक जा रुक जा। अम्मा कहाँ हैं? हुसैन तुम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। यस तुशुम बलून लग कोका कैसे लग रहे हैं मॉल लकी वन? बड़ा अच्छा बनाया है लकी वन। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा बना, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया हुआ है, खूबसूरत। हाँ टिश्यू खड़े हो जाऊँ कोका डर लग रहा है? कितना डर लग रहा था? हम कहाँ पर रहे हुए हैं लकी वन? क्या खरीदने आए हुए हो? बहुत अच्छा व्यू है ना। हाँ आ जाओ। तो हम लकी वन मॉल में आए हुए तो थे, हमने सोचा यहाँ पर है ना कारफोर का भी मतलब आइटम मिलते हैं, जैसे ग्रोसरी आइटम कुछ खरीदने हैं तो हमने सोचा यहाँ पर कुछ ग्रोसरी आइटम भी ख़रीद लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर पहले फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे आए, फिर सेकंड फ्लोर पे आए, फिर थर्ड फ्लोर पे आए, तो हमें कारफोर मिला ही नहीं। उसके बाद हमने यहाँ किसी से पूछा भाई कारफोर किस तरफ है, हमने थोड़ा ग्रोसरी आइटम ले लें जैसे कि बच्चों का दूध ले लें, वैसे आ तो गए हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ खरीद के ले जाएँ। तो जब हमने पूछा तो वो कह रहे थे भाई आपने ग्रोसरी आइटम ख़रीदना है तो कारफोर नीचे बना हुआ है बेसमेंट। तो हम यहाँ वंडरलैंड की तरफ आए हुए थे, जो है बच्चों का प्ले एरिया बना हुआ है, यहाँ पर बच्चे काफ़ी इंजॉयमेंट करते हैं, काफ़ी इसमें है ना मतलब अच्छा है बना हुआ है। और हाँ ये अभी ओपन तो नहीं हुआ था क्योंकि हम सुबह के टाइम आए हुए थे, ये शाम में ओपन होता है, तो कभी हम शाम में जाके आपको दिखाएंगे। अगर आप कमेंट करके हमें बोलेंगे तो हम आपको आके नाइट का व्यू दिखा देंगे, शाम में व्यू दिखा देंगे, शाम का व्यू कैसा होता है। तो अगर आप लकी वन मॉल जा रहे हैं तो कम से कम 5-6 घंटे तो कहीं भी नहीं गए आपके टाइम में, तो 5-6 घंटे का टाइम निकाल के जाएगा, अपने बच्चों को भले साथ लेकर जाएं तो 5-6 घंटे कहीं भी नहीं गए भाई। गा दें थोड़ा सा लकी वन का मॉल भी। हाँ हुसैन को देखें, हुसैन Thank you.
यहाँ लिफ्ट का लिफ्ट देखें आ गई है, तो अब हम चलते हैं बेसमेंट में, वहाँ का ज़रा विज़िट करते हैं। और यहाँ देखें आप लिफ्ट के साइड मिरर लगे हुए हैं, और पीछे बैकग्राउंड में देखें वो व्यू जो है ना, बैकग्राउंड व्यू कितना ज़बरदस्त लग रहा है, लाइटिंग है और कलरफुल भी है कहीं कहीं। तो देखें यहाँ इतना टाइम हो गया, अभी मैं टाइम देख रही थी, काफ़ी टाइम हो गया, हम कब से आए हुए थे, तकरीबन हमें 2-3 घंटे हो गए और हम घूमे ही जा रहे हैं। इतना बड़ा मॉल है, कराची का सबसे बड़ा मॉल है लक्की वन मॉल, तो आइएगा आप कभी विज़िट करें, यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है। हमने भी ये जगह देखी थी, हमने कहा यहाँ सेल्फी ले लेते हैं, मगर सेल्फी तो आ नहीं रही। हुसैन जे रोड का ब्रांड है यहाँ पर, मतलब इत्र वगैरह परफ्यूम सब है ना यहाँ पर, बंदा खरीद सकते हैं कैसे ना जे रोड जे। अभी हम आ गए हैं नीचे, हमने जाना है कारपोर के, आपको दिखा रहे हैं सबको भैया ना, ये देखो लक्की वन का मॉल थोड़ा सा देख लें आप। हाँ मतलब इतना ज़्यादा कुछ खरीदना नहीं है, हम तो अपने व्यूअर को खुश करने के लिए आए हैं यहाँ से, तो थोड़ा सा देख रहे हैं आप लक्की वन का, जो मतलब यहाँ पर आ नहीं सकते, जो आते नहीं हैं यहाँ पर, जो कराची से बाहर हैं उनको दिखाने के लिए। हाँ बिल्कुल, अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरफ जाना चाहिए, यहाँ से किसी से पूछते हैं थोड़ा बहुत जो सामान लेना है। तो हुसैन का दूध खरीद लेते हैं यहाँ से, बोलता हूँ मैं, बोल रहा था गौरव को अपने व्यूअर को कुछ बताओ तो सही, मगर है ना ये तो नैना की फ्रेंड को ही ढूंढ रही है हमेशा। कारफोर का यहीं पर होगा कहीं से, किसी से पूछते हैं, कारफोर का ब्रांड भी होगा यहाँ पर लगती है। हुसैन आपको क्या खरीदना है? हाँ आ जाओ, ये देखें कोकब डर रही है, बोलिए मुझे डर लग रहा है यहाँ से जाने के लिए। चलो 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 हुसैन चलो। मुझे यहाँ वाकई में डर लग रहा था, क्योंकि अब आया होता ना एस्केलेटर में फंस जाता है बाजू का, ऐसा होता है तो फिर बंदा किसी बड़े हादसे में फंस जाए, इससे अच्छा है कि बंदा मतलब एहतियात करे ना, तो मुझे डर लग रहा था। अबू बकर कुरैशी वही कह रहे थे कि कोकब को डर लग रहा है। हम बेसमेंट में आ गए हैं, यहाँ से क्या खरीदना है? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं खरीदना होगा, जब मुझे ऐसे लेके आइए नीचे, विजिट कर लेते ना, विजिट करने क्या जाना है। अच्छा विजिट करने आए हो, हुसैन चलो। हाँ जी, तो हम बेसमेंट में आ गए हैं, अब हम जा रहे हैं कारफोर की तरफ। यहाँ देखें हुसैन कैसे भाग रहा है, और ऊपर का व्यू देखें यहाँ से कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इतना खूबसूरत व्यू है और बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें ये हुसैन के स्टाइल देखें, बस इसको है ना थोड़ी सी सीधी जगह मिल जाए लेटने की सोच लेता है। फाइनली हमें कारफोर मिल गया, पर इतने देर से मिल नहीं रहा था। हाँ पूरा मॉल घूमने के बाद तो अभी हम जा रहे हैं फिर घर। जी तो लकी वन का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें। बस अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हसन की छुट्टी का टाइम हो गया, हसन को स्कूल से पिक करना है। और यहाँ पर देखें बारबेक्यू टुनाइट बना हुआ है, यहाँ पर ना रात के टाइम में बहुत शुगर लगा हुआ होता है, शुगर मतलब कि रश होता है, काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि शाम में ही ज़्यादातर निकलते हैं ना आवाम, ज़्यादातर शाम में मॉल्स वगैरह जाती है। हम लोग तो यूँ आए थे कि हसन स्कूल गए हुए होते हैं इस टाइम, तो हमारे पास हुसैन होते हैं, फिर हम आराम से वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, हुसैन इतना परेशान भी नहीं करते, तो दो बच्चों के साथ फिर मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, वैसे भी वीडियो बहुत मुश्किल से बनती है। तो आप हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा प्यार दें, और बस बहुत शुक्रिया आपने इतनी देर हमारी वीडियो देखी, अपना कीमती टाइम निकाला, और दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें हुसैन कह रही हूँ मैं इनसे साइड पे चलें, कह रहे हैं नहीं मैं यहाँ चलूँगा। और बस ये सामान हमने कुछ लिया था कारफोर से, कारफोर का व्लॉग इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। कारफोर से शॉपिंग करने का एक फ़ायदा है एक नुकसान है। फ़ायदा तो ये है क्योंकि हम जितना भी सामान खरीदेंगे काफ़ी डिस्काउंट मिलता है, और नुकसान ये है हम जितना भी मतलब सामान खरीद रहे हैं उसके लिए हमें ये बैग मिलता है, ये बैग खरीदना पड़ता है, परचेज़ करना पड़ता है, इनसे 100 रुपये का एक बैग मिलता है,
और इम्तियाज़ से हम अगर हम कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, कुछ ख़रीदते हैं, तो वो जितने भी हम मतलब शॉपिंग बैग शॉपर वगैरह जिसको भी जो भी कहते हैं, वो हम जितने भी सामान वगैरह डालना चाहें उन्हें वो डाल के दे देते हैं। अगर हम दो तीन एक्स्ट्रा भी लेना चाहें वो दे देते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। तब के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ से अब हम घर जाते हैं। ये देखें, अब अगर बाइक पे बैठे और फ़ौरन खड़े हो गए, क्योंकि बाइक इतनी गर्म हो रही थी। गर्मी काफ़ी हो रही है आजकल कराची में।